जिला सोलन के नौणी में करीब 3 माह पहले जिला कांगड़ा से मजदूरी करने आए कुछ मजदूर लॉकडाउन के चलते अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में ना तो ये दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जिसके चलते इनको खाने व पीने के सामान की किल्लत आ रही है। इसको दूर करने के लिए कबीरपंथी समाज सुधार सभा के सदस्यों ने इनकी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए, इन्हें खाने के साथ साथ राशन भी मुहैया करवाया। सभा के सदस्यों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा इन लोगों की मदद किसी कारण नहीं हो पाती है, तब तक इनके खाने व पीने का सामान की व्यवस्था सभा द्वारा की जाएगी। ये जो यहाँ पे लोग हैं, ये बैजनाथ कांगड़ा से हैं। कबीरपंथी समाज सुधार सभा हिमाचल प्रदेश ने निर्णय लिया कि हम इन लोगों की मदद करेंगे। हमने इन लोगों को राशन राशन से संबंधी जो हमसे हो पाया वो इनकी हमने हेल्प की है। हाँ, जो आसपास के भी लोग हैं और सरकार प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिस तरह के जो लोग फंसे हैं, उनकी राशन से संबंधित मदद की जाए। मैं धन्यवाद करता हूं हिमाचल गवर्नमेंट और अपने भारत सरकार का कि उन्होंने जो ये कर्फ्यू जो लगाया है, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि इससे जो कोरोना वायरस है हमारे बीच में ना फैले। मैं अपने देशवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां लोग फंसे हैं उनकी मदद करें। ये हमारी कबीरपंथी समाज सुधार जो सभा है, हमने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे बैजनाथ कांगड़ा से जो लोग आए हैं, ये बेचारे भूखे थे, हमने इनकी हेल्प की है, क्योंकि ना इनका संपर्क इनके जो मालिक है उनसे हो पा रहा है। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये निवेदन है कि जहां जहां जो लोग फंसे हैं उनकी मदद करें, ताकि ये कोरोना वायरस जो हमारे देश से खत्म हो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया का और ये अपने मेडिकल स्टाफ का, पुलिस स्टाफ का, इन्होंने इस विपत्ति में जो है देश की जो सेवा की है, मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तो मजदूरी वगैरह करते हैं, सड़क में जैसा कोई काम मिल गया हो, सड़क में वगैरह किस गाँव में वही करते हैं। बाकी तो चलो बैजनाथ से रहने वाले हम, दिक्कत तो जब से काम बंद हुआ सर तभी से दिक्कतें आ रही, राशन पानी की दिक्कतें थी। बाकी जो यहाँ के है उन्होंने हमारा थोड़ा हल कर दिया काम। क्या तो दिया, राशन वगैरह दे दिया उन्होंने। कितने दिन का राशन मिला अभी? इन्होंने दे दिया 8-10 दिन का। हाँ जी, क्या लगता है अगर 8-10 दिन राशन खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? देखिए सर, बोलते हैं बस दे देंगे, बोल आगे कोई कौन दे देगा, क्या होगा? बोल रहे हैं सरकार भाई दे रही है राशन भाई। तो सरकार से आपको मिला राशन? नहीं, सरकार से तो नहीं मिला, ये इन्होंने दिया। इन्होंने प्रकाश राणा यहाँ के, इतने दिन क्या करेंगे सरकार? हम यहाँ अपने घर जाना चाहेंगे तो हमारे को थोड़ी छूट दे दी है एक दिन की। क्या क्या समस्याएं आ रही है आपको? समस्या कुछ नहीं है सर, यहाँ ऐसा है कि बिल क्या करेंगे सर, यहाँ बाल बच्चों भी कहीं किसी के मीरपुर में है, किसी के यहाँ साथ में है, तो वो भी चिंता में पड़े रात दिन माँ बाप कि कहाँ बच्चे कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो ये राशन पानी इन्होंने कर दिया था, गांव वालों ने मदद कर दी थी, वो हम पका रहे खा रहे हैं। अब आगे के लिए बोल रहे हैं सरकार के मिलेगा मिलेगा, क्या पता है अब मिले ना मिले।